मॉनसून घूम गया है। इसका एक सिरा 11 दिन से कर्नाटक में फंसा हुआ है, जबकि दूसरा सिरा तेजी से आगे बढ़ते हुए मुंबई को पार कर गुजरात की सीमा तक जा पहुंचा है। पिछले कई दशकों के आंकड़े बताते हैं कि मॉनसून गुजरात की सीमा तक पहुंचता है तो मध्य प्रदेश के नीचे सभी राज्यों में मानसूनी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ क्योंकि मानसून अभी केरल को ही कवर किया है, जबकि 12 जून तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र व आधे छत्तीसगढ़ में मानसून छा चुका होता है। आपको बता दें कि हवाओं की रफ्तार बढ़ रही है, तेजी से बन रहे मानसून का असर भी बन रहा है। इसके असर से अगले 3 दिन में महाराष्ट्र, मध्य भारत में गरज के साथ छींटे पड़ने के असर तो दिखाई दे रहे हैं। इससे तापमान में गिरावट भी शुरू हो जाएगी। वहीं दक्षिण और पूर्व के कुछ राज्यों में 14 जून तक हल्की फुल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान में अभी भी लू चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।